हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशांत एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जज कैसे बनते हैं। पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको इंडियन सिटीजनशिप का होना चाहिए, आपको बैचलर्स डिग्री इन लॉ की प्राप्ति होनी चाहिए, आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड लॉ स्कूल से LLB डिग्री होना चाहिए, आपका एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में होना चाहिए। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल से अधिक होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु सीमा 35 साल है। दोस्तों, जज बनने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में उपस्थित होना होगा। सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैकेंसी साल के अनुसार अलग अलग होती है। वैकेंसी की संख्या भी सरकार की नीतियों, विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं और अन्य कारकों पर निर्भर करती है। सामान्यतया सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैकेंसी का अधिसूचना मार्च अप्रैल महीने में जारी किया जाता है और परीक्षा जून महीने में आयोजित की जाती है। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा के 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होता है। प्रथम भाग में सामान्य अध्ययन और दूसरे भाग में कुछ विशेष विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कुल समय 2 घंटे का होता है। मुख्य परीक्षा भी ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है और यह 4 विषयों पर आधारित होती है, सामान्य अध्ययन, विशेष अध्ययन 1, विशेष अध्ययन 2 और विकलांगता संबंधी विषय। मुख्य परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग के विभिन्न सेंटरों पर किया जाता है और इसके लिए कुल समय 7 घंटे का होता है। इंटरव्यू, सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवार की व्यक्तिगत और व्यावसायिक योग्यता का मूल्यांकन करना होता है। इंटरव्यू का महत्वपूर्ण हिस्सा उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान, वर्तमान मामलों के बारे में जानकारी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श आदि होते हैं। इंटरव्यू का समय आमतौर पर 30 से 40 मिनट का होता है। इन सभी चरणों के बाद अंत में चयन प्रक्रिया आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी करके समाप्त होती है। उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा के नतीजों के आधार पर सफलता हासिल करना होता है। सामान्य अधिसूचना में सभी चरणों की तारीखें, समय, स्थान और अन्य जानकारी उपलब्ध होती है। वेतन की बात करें तो दोस्तों, जज के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के बाद एक जज की महीने की वेतन लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए होती है, जो उनकी पद और कार्यकाल के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेन डिटेल्स जज बनने की। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।